आज कुछ हिंदी वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखेंगे। नाइन्थ क्लास के लेसन फोर में एक्सरसाइज है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश, और 10 हिंदी के वाक्य दिए गए हैं, देख सकते हैं उसको। तुम्हें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तुम यह ले सकते हो, हमें सत्य बोलना चाहिए, सोनू परीक्षा में उत्तीर्ण हो सका, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या आज वर्षा होगी, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, हमें जल प्रदूषित नहीं करना चाहिए, हम लोग कल बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने जाएंगे। इन वाक्यों के देखने से लगता है कि पिछली कक्षाओं में जब हम मॉडल वर्ब के बारे में बात कर चुके हैं, तो उन मॉडल वर्ब का यूज करते हुए और इस ट्रांसलेशन को बनाना है। चाहिए, सकते हो, चाहिए, हो सका, कर सकते हो, संभावना व्यक्त किया जा रहा है, क्या आज वर्षा होगी, जरूरत नहीं, सकता हूँ, चाहिए, ये सब जो है मॉडल वर्ब्स के यूज से ये ट्रांसलेशन बनेंगे। और देखते हैं कि इनका इंग्लिश रूपांतरण कैसे होगा। विभिन्न लेशन में कभी इंग्लिश टू हिंदी, कभी हिंदी टू इंग्लिश रूपांतरण है, उनके बारे में हम बात करेंगे। पहला वाक्य है, तुम्हें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। यहाँ शुड, चाहिए, शुड माने चाहिए, एक आट माने भी चाहिए, लेकिन दोनों में सूक्ष्म अंतर है। शुड का प्रयोग हम करते हैं जहाँ मॉरली राइट हो, नैतिक रूप से वो करने लायक हो, तो वहाँ हम शुड का प्रयोग करते हैं। कहीं एडवाइस देना हो तो वहाँ ऑट टू या शुड, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। ऑट टू एक जगह प्रयुक्त तो वहाँ होता है जहाँ ऑब्लिगेशन और एक्सपेक्टेशन हो। इस तरह का कोई ऑब्लिगेशन झलकता हो उस वाक्य से तो हम आर्ट टू का प्रयोग करते हैं। आर्ट टू लेस कॉमन बट मोर फॉर्मल है, कॉमन नहीं है। चाहिए की जगह पर हम शुड का प्रयोग अधिकतर करते हैं, बहुत कम आर्ट टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि ऑफिशियली प्रयुक्त करना हो कि तुम्हें आज वहाँ जाना चाहिए, तो आर्ट टू, ऑब्लिगेशन एंड एक्सपेक्टेशन, किसी से हम आशा करते हैं किसी काम को करने के लिए, तो वहाँ आर्ट टू का प्रयोग कीजिए। ऑफिशियली कोई आदेश है उसमें चाहिए प्रयुक्त है तो वहाँ आर्ट टू का प्रयोग कीजिए, लेकिन एडवाइस है तो वहाँ शुड का प्रयोग कीजिए। पिछली कक्षा में हमने इस पर विस्तृत चर्चा किया था कि शुड, यहाँ माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, एक यह मॉरल राइट है, ड्यूटी है, जहाँ कर्तव्य जरूरत का औचित्य प्रदर्शन हो, सलाह देने या मांगने की बात हो, घटना घटित होने की संभावना व्यक्त हो, तो वहाँ शुड का प्रयोग किया जाना चाहिए। जहाँ मॉरल की बात हो वहाँ शुड का प्रयोग किया जाना चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंस कि यदि फॉर्मल यूज है, ऑब्लिगेशन और एक्सपेक्टेशन झलकता है, ऑफिशियली यूज है उसका, तो आर्ट टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तो निश्चित रूप से यहाँ शुड का प्रयोग करें हम, नैतिक कर्तव्य है हमारा। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, पेरेंट्स तुम्हें, यू तुम्हें रूप बदल गया है, करता है, इसलिए तुम्हें कहिए, तुमको कहिए, चाहिए के लिए शुड, आज्ञा माने अभय माता पिता की, योर पेरेंट्स। कभी कभी विद्यार्थी हम देखते हैं कि पेरेंट और
पेरेंट्स में अंतर नहीं समझते हैं। पेरेंट माने माता या पिता, मदर या फादर, सिंगल। वो कब होता है? यदि कोई एक डेड कर गया हो, वीडो हो गया हो, सिंगल रह रहा हो, एक का सिंगलर प्रयोग है पेरेंट का। और माता पिता दोनों हाइफ़न दिए हैं यहाँ, माता और पिता दोनों, तो पेरेंट्स प्लूरल। तुम यह ले सकते हो, है तो किताब में यही कि तुम यह ले सकते हो, लेकिन यह कर्ता है, यह क्रिया है और यह कर्म है, तो इसे लिखें हिंदी में तो और सुंदर होगा। बुक में तो यही छिपा है, तुम यह ले सकते हो, लेकिन हम इसे लिखें कि तुम इसे ले सकते हो, क्योंकि कर्म है वो, अब कर्म का रूप ही है इसे या इसको बदल जाता है वो। तुम यह ले सकते हो कहने से अर्थ समझ ही जा रहे हैं हम, इसे ले सकते हो, और नहीं तो यह देना ही है तो वहां दिस लगाना पड़ेगा कि यू मे टेक दिस, तुम यह ले सकते हो, तुम इसे ले सकते हो तो इट, और ले सकते हो एक तरह से अनुमति का भाव हो रहा है यहाँ, अनुमान अनुमति हो तो यहाँ हम लगा सकते हैं क्या कि मैं, यू, मैं टेक इट। यहाँ देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव केस में इट है, तो इसे इसे लिखना चाहिए कि तुम इसे ले सकते हो, यू मे टेक इट। अब देखते हैं तीसरा, हमें सत्य बोलना चाहिए, यह भी एक मॉरल इंस्ट्रक्शन है, ड्यूटी है, कर्तव्य है। सलाह भी मान लीजिए, राय भी मान लीजिए, तो शुद्ध का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन ऑफिशियली कोई कह रहा है कि तुम्हें सत्य बोलना चाहिए तो आटो, यू आटो स्पीक द ट्रूथ, फॉर्मल यूज है इसका आटो। और ड्यूटी का बोध हो, जरूरत सलाह देने मांगने, तो यहां हम शुड का प्रयोग करेंगे, वी शुड स्पीक द ट्रूथ, वी हमें शुड। तो हम भाव देख करके आट और या शुड का प्रयोग करेंगे, वी शुड स्पीक द ट्रूथ। यहाँ आट टू लगा दें तो और इसका उच्चारण ट होना चाहिए, टू नहीं, आठ टू नहीं, आठ ट, क्योंकि आगे कंसोनेंट है, आगे वावेल रहेगा तो टू का उच्चारण हम लोग करते हैं टी ओ का। वी शुड स्पीक द ट्रूथ, हमें सत्य बोलना चाहिए। सोनू परीक्षा में उत्तीर्ण हो सका, सका ऐसे विद्यार्थी, कैन माने सकना, तो उसका पास्ट टेंस करेंगे, कुड बना सकते हैं इसको कि सोनू कुड पास द एग्जामिनेशन। सोनू कुड पास दी एग्जामिनेशन। और एक है और एबल टू लगा के भी हम प्रयोग करते हैं, वाज एबल ट, इज एबल ट, विल एबल ट, लेकिन दोनों में कुछ फर्क है। कुड वहां लगाते हैं, कुड माने सकता था, भी सोनू परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता था,
कुड वहाँ लगाएं जहाँ कार्य की संभावना में कार्य के कंप्लीशन पूर्ण होने में संदेह है। कुड लगाए वहाँ की एबिलिटी तो है सुनु में पास करने की, लेकिन कंप्लीशन ऑफ एक्शन संदेहपूर्ण है। सोनु परीक्षा में पास कर सकता था या उत्तीर्ण कर सकता था, हुआ कि नहीं हुआ ये संदेह है तो कुड, और यदि पास कर सका एबिलिटी और कंप्लीशन ऑफ एक्शन का भी बोध होता है कि परीक्षा पास कर गया वो, तो वाजेबुल लगाना अच्छा रहेगा। कुड लगाएं तो कंप्लीशन से हमको मतलब नहीं है, एबिलिटी है उसमें पास कर सकता था, लेकिन वाजेबल लगा दें यहाँ हम, वाजेबल सोनू वाजेबल, एबल टू पास द एग्जामिनेशन, सोनू वाज एबल टू पास द एग्जामिनेशन, वाजेबल लगा दिए तो ये साबित कर रहा है कि उसमें एबिलिटी थी और पास भी कर गया। तो इस तरह का ये जो भाव व्यक्त कर रहा है कि सोनू परीक्षा में उत्तीर्ण हो सका, इसे पता चलता है कि वो पास कर सका है, इसलिए वाजेबल, सोनू वाजेबल टू पास द एग्जामिनेशन। ऐसे जनरली बच्चे सका कैन कुड बना सकते हैं, बनाइए सोनू कुड पास द एग्जामिनेशन, लेकिन पास किया कि नहीं मालूम नहीं है, कुड से ये इंगित होता है। और आगे देखते हैं, यहां से इसको हम उठाते हैं, अगला है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। क्या लग जाने से सकना कैन सीधे दे सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, लेकिन मे लगाइए अनुमान और अनुमति के लिए अच्छा रहता है वो, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, मे यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, मैं लगा मॉडल वर्ब यहाँ, क्या आज वर्षा होगी, क्या आज वर्षा होगी, तो यहाँ हम दे सकते हैं विल से भी बना सकते हैं, फ्यूचर है, विल इट रेन टुडे। प्रश्न पूछा जा रहा है सीधे, टुडे जो हम उच्चारण करते हैं, चूंकि टू के बाद ये कंसोनेंट है इसलिए इसका उच्चारण होना चाहिए टुडे। विल इट रेन टुडे, टू लगना भी नहीं चाहिए और टडे भी नहीं लगना चाहिए कि बच्चे समझ ही नहीं पाए कि टडे क्या बोल रहे हैं, टुडे। उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ज़रूरत नहीं है मतलब निडंट निडनट, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, निड ज़रूरत और निड मॉडल वर्ब है इसलिए सीधे निड के बाद नट आएगा, मॉडल वर्ब का एक गुण है यह। उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ही नीड नॉट अलग अलग भी लगा सकते हैं या शॉर्ट में नीडंट भी लिख सकते हैं, ही नीडंट गो वहां देयर। इन मॉडल भर पर पिछले ठीक पिछले कक्षा में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं
कि नीड का प्रयोग कहाँ होगा, मे का प्रयोग कहाँ होगा, और उसी के आधार पर उसी एक्सरसाइज में लेसन फोर में नाइन्थ क्लास के, चूँकि मॉडल वर्ब की चर्चा ग्रामर में की गई है इसलिए उसी पर आधारित हिंदी के वाक्य दिए गए हैं कि बच्चे उसका सही प्रयोग करते हैं कि नहीं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, यहाँ था कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, यहाँ है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये बहुत प्रचलित सेंटेंस हो गया है आजकल, कहीं ऑफिस में कहीं संस्थान में स्टेशन पर जाइए वहाँ लिखा हुआ रहता है मे आई हेल्प यू, वहाँ जाके आप पूछताछ कर सकते हैं, कोई मदद ले सकते हैं। सड़कों के किनारे लिखा गया है, पुलिस ने अपना एक लगाया है या वाक्य मे आई हेल्प यू, तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू। ये प्रश्न हो गया, और यदि प्रश्न पूछना हमारा मकसद नहीं है तो मे आई हेल्प यू के बाद हम ऐसे भी लगा सकते हैं ये चिन्ह। प्रश्न पूछना मकसद नहीं है हमारा, किसी हम पूछ नहीं रहे हैं कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो वहाँ ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा सकते हैं मे आई हेल्प यू। हमें जल प्रदूषित नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रश्न बोधक है इसलिए हम वहाँ लगाते हैं, ये लगा दिए। ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन द सेंस, सेंस के आधार पर हिंदी वाक्य को बदलते हैं इंग्लिश में या इंग्लिश को हिंदी में करते हैं, हिंदी इंटू इंग्लिश, इंग्लिश इंटू हिंदी, कुछ सेंस उसमें भाव देखा जाता है कि भाव क्या है, और उसके आधार पर हम रूपांतरण करते हैं। अगला आयाम है जल प्रदूषित नहीं करना चाहिए, ये एडवाइस भी हो सकता है, राय हो सकता है, ऑब्लिगेशन एक्सपेक्टेशन हो सकता है, तो इसके सेंस को समझ करके हमें जल प्रदूषित नहीं करना चाहिए किस सेंस में ये वाक्य है, उसके आधार पर हम शुड या आर्ट लगा सकते हैं। आइए जनरल शुड लगा के देखें। हमें जल प्रदूषित नहीं करना चाहिए, वी विश एल डी यहाँ है, वी शुडंट या वी शुड नॉट पॉल्यूट वाटर, वी शुडंट पॉल्यूट वाटर, वी शुडंट पॉल्यूट वाटर, हमें जल प्रदूषित नहीं करना चाहिए। हम लोग कल बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने जाएंगे, हम लोग जाएंगे, वी शैल गो, सीधा वाक्य, या बहुत डिटर्मिनेशन उसमें दिखाया जाए तो एक वाक्य होता है कि प्रेजेंट सिंपल फॉर फ्यूचर, तो उसमें आर गोइंग भी लगाते हैं हम लोग, वी आर गोइंग टू सर्व फ्लड विक्टिम्स टमारो, सीधे सेंस में तो हम लोग कल बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने जाएंगे, इसको बना सकते हैं कि वी शैल गो, हम लोग जाएंगे सेवा करने, इन्फिनिटिव जैसा प्रयोग है टू सर्व, सर्व का अर्थ है कि होता है कि जरूरतमंदों को भोजन पानी पहुंचाना देना, उस सेंसेस में इसलिए मैंने सर्व लिख दिया। बहुत अर्थ हैं इंग्लिश का वर्ड प्रयुक्त करते समय
कौन किस सेंस में प्रयोग होगा, हूबहू हिंदी देखकर हम नहीं लिख सकते हैं। उसका भाव समझ में आना चाहिए कि ये शब्द किन किन भावों को अभिव्यक्त करता है, कहाँ प्रयोग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक वर्ड सर विभिन्न जगहों पर प्रयुक्त हो सकता है, और सेवा करना लिखा रहेगा वहाँ नहीं प्रयुक्त हो सकता है। तो भाव सेंस समझने की ज़रूरत है। वी शैल गो टू सर्व। अब यहाँ हम टू सीधे उच्चारण टू नहीं कर रहे हैं, इसका उच्चारण कुछ इस तरह से कर रहे हैं, चूंकि आगे कंसोनेंट है। वी शैल गो टू सर्व फूड विक्टिम्स। कल टुमारो यहां भी देखेंगे हम तो जनरली बच्चे उच्चारण करते हैं टुमारो, लेकिन ये मिलाए हम कि ओ के बाद यहां टू के बाद कॉन्सोनेंट आया है तो टुमारो टुडे। लेकिन जो अंगूठे का स्पेलिंग है इसको हम लोग टू क्यों कहते हैं, इस टू के बाद वावेल है इसलिए टू। थोड़ा थोड़ा बच्चों के जानने के लिए, पढ़ते समय सही उच्चारण के लिए, मानक उच्चारण के लिए कभी कभी बात करते हैं इस पर कि किस चीज़ का उच्चारण कहाँ होना चाहिए, कैसे, कहाँ वीक प्रोनाउंसिएशन है, कहाँ स्ट्रांग प्रोनाउंसिएशन है। तो इस तरह से हमने देखा कि मॉडल वर्ब्स पर आधारित ये हिंदी के वाक्य दिए गए थे जिनका इंग्लिश रूपांतरण मैंने किया। बच्चों को समझना चाहिए कहाँ कैसे क्या प्रयोग किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।